गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी BSc थर्ड ईयर की क्लास रहेगी, जिसमें हम बॉटनी में आज पढ़ने वाले हैं द इमर्शन इफेक्ट एंड टू पिगमेंट सिस्टम। ठीक है, इमर्शन प्रभाव क्या है और इसमें कौन कौन सी पिगमेंट सिस्टम है या वर्णक तंत्र इसमें क्या क्या है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा या फिर कह सकते हैं वक्र के द्वारा जो है वो देख सकते हैं, उसमें वृद्धि प्रदर्शित हो रही होगी। तो सबसे पहले पर्णहारे मतलब क्लोरोफिल में अनेक वर्णक अणु पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल होता है उसमें कई प्रकार के वर्णक या पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनके द्वारा प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्यों मतलब वेवलेंथ का अवशोषण होता है। जो क्लोरोफिल है उसमें कई प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्यों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, अपने अंदर खींचते हैं। सभी वर्णक अणु प्रकाश की अवशोषित ऊर्जा को अभिक्रिया केंद्र अथवा क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, जितनी भी ऊर्जा वो एब्जॉर्ब करते हैं उस ऊर्जा को कहाँ स्थानांतरित कर देते हैं, क्लोरोफिल ए में कर देते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णक अणुओं द्वारा अलग अलग भाग लिया जाता है। जो जितने भी वर्णक या जितने भी पिगमेंट उसमें पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्रिया वो करते हैं। ठीक है, जिस पर रॉबर्ट इमर्सन एवं अन्य वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। तो उन्होंने कहा इसी इमर्शन पर या इसी प्रभाव पर या फिर इन्हीं वर्णकों के पर कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग उस पर क्या किए, मत प्रस्तुत किए, अलग अलग उन्होंने उसको खोजा, अलग अलग उन्होंने चीज़ें उसमें बताई। ठीक है, तो क्वांटम उपलब्धि या क्वांटम यील्ड क्या होता है, तो प्रति क्वांटम अवशोषित प्रकाश ऊर्जा द्वारा निष्कासित ऑक्सीजन अणुओं की संख्या क्वांटम उपलब्धि कहलाती है। मतलब जो वर्णक थे उसमें पिगमेंट थे, उन्होंने जो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित की उसके बाद वो कितनी ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, उस निकली हुई ऑक्सीजन को जितनी वो ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं उसी ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड बोलते हैं। ठीक है, जितनी अणुओं की संख्या क्वांटम उपलब्धि कहलाती है। अतः प्रकाश संश्लेषण की दर क्वांटम उपलब्धि के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। मान लीजिए जितने भी अणु को निष्कासित कर रहे हैं, जितने अणु बाहर निकाल रहे हैं, तो हम उसकी दर को ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए आपने 20 जो है ग्रेप्स खाए, ठीक है, 20 ग्रेप्स खाए, एक ग्रेप्स की एनर्जी मान लीजिए 5 किलो कैलोरी है, ठीक है, या 1 किलो कैलोरी है। उसके बदले में आपने कितनी ऊर्जा का कार्य किया, मान लीजिए आपने 20 का किया, तो हमें समझ में आ जाएगा 1 ग्रेप की कैलोरी कितनी है, 1 है। यदि आपने 40 का किया तो हमें समझ में आ जाएगा कि 1 ग्रेप्स की जो है वो एनर्जी कितनी है, 2 किलो कैलोरी है। समझ में आ जाएगा, ऐसे ही प्लांट्स उन्होंने पिगमेंट ने वर्णक ने जितना प्रकाश अवशोषित किया, बदले में जितनी ऑक्सीजन की संख्या बाहर निकाली या निष्कासित की उसी को उन्होंने क्या किया, क्वांटम यील्ड कहा। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा क्वांटम रिक्वायरमेंट मतलब क्वांटम की आवश्यकता किस प्रकार होती है। ऑक्सीजन के एक अणु निष्कासन हेतु आवश्यक प्रकाश क्वांटम की संख्या क्वांटम आवश्यकता कहलाती है। ऑक्सीजन के जितने अणु को बाहर निकलने के लिए या निष्कासित होने के लिए जितनी भी क्वांटम की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, क्वांटम रिक्वायरमेंट कहलाती है। रॉबर्ट इमर्शन 1958 के अनुसार CO2 के एक अणु के अपचयन में तथा ऑक्सीजन के एक अणु के निष्कासन में प्रकाश के न्यूनतम 8 क्वांटम लगते हैं। उन्होंने बताया कि जो पेड़ पौधे रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उनके पिगमेंट्स यदि जो CO2 का अवशोषण करते हैं कि नहीं, पेड़ पौधे करते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा इस क्रिया में एक अणु एक ऑक्सीजन को बाहर निकालने में और एक CO2 को ग्रहण करने में 8 प्रकाश के
क्वांटम की आवश्यकता होती है, कितने की 8 क्वांटम। सब न्यूनतम मतलब सबसे कम, कम से कम कितने चाहिए होंगे, 8 क्वांटम चाहिए होंगे प्रकाश के, तब वो उस चीज को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते हैं, CO2 को अंदर ले सकते हैं। अतः क्वांटम उपलब्धि 1/8 अथवा 0.125 होती है। बिल्कुल ऑक्सीजन के एक अणु और CO2 के एक अणु को अंदर और बाहर करने में कितने प्रकाश के क्वांटम की आवश्यकता होती है, 8 क्वांटम। ये तो 1/8 का वो हो गया ना अनुपात उसमें। अब उन्होंने कहा इमर्शन का प्रथम प्रयोग, इमर्शन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1958 में बताया कि जो क्वांटम की आवश्यकता क्यों होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटम क्या होती है। उन्होंने रेड ड्रॉप जो है एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने किया प्रयोग में एक हरे सहवाल क्लोरेला को इमर्सन एवं लीविस 1943 ने मोनोक्रोमेटिक प्रकाश में रखा। उन्होंने एक सहवाल लिया, सहवाल का नाम क्या था, क्लोरेला, और उन्होंने उस क्लोरेला को कहाँ रखा, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश में जो है उसको रखा। इस प्रकार के प्रकाश में एक समय में प्रकाश की एक तरंग दैर्ध्य का होना आवश्यक होता है। इस प्रकार का जो प्रयोग हुआ उन्होंने कहा इस प्रकार के प्रयोग में एक कम से कम एक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जरूर होना चाहिए। इन वैज्ञानिकों ने क्वांटम उपलब्धि मतलब क्वांटम यील्ड तथा विजिबल लाइट की विभिन्न प्रकाश तरंग दैर्ध्यों 400 से 800 nu के बीच एक ग्राफ बनाया। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं ग्राफ कहाँ तक बनाया, 400 से लेकर 720, तो उन्होंने कहा 400 से लेकर 800 के बीच एक उन्होंने ग्राफ बनाया और यह देखा गया कि अधिकांश तरंग दैर्ध्य पर क्वांटम उपलब्धि वक्र क्वांटम यील्ड कर्व स्थिर रहता है। उन्होंने देखा, देखिए इसमें वेवलेंथ दी है और वो दी है क्वांटम यील्ड ऊपर की तरह, ऊपर की तरफ। उन्होंने 440 से 520 mu के क्षेत्र में एक डिप देखा। उन्होंने देखो 440 और 500 के बीच में एक देखो गर्त दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, एक गर्त देखा तथा स्पष्ट कर दिया कि इस क्षेत्र में केवल कैरोटीनॉइड द्वारा अवशोषण होता है। 600 से 680 mu वाले क्षेत्र में वक्र स्थिर रहता है, किंतु 680 mu वाले लाल क्षेत्र में इसमें अचानक क्या होने लगती है, गिरावट होने लगती है, दिखाई देती है। स्पेक्ट्रम में लाल क्षेत्र के पश्चात प्रकाश संश्लेषी उपलब्धि में गिरावट का आना रेड ड्रॉप कहलाता है। देखिए पहले तो उसमें वृद्धि, पहले स्थिर रहा, देन वृद्धि हुई और वृद्धि के बाद अचानक से उसका ग्राफ क्या हुआ, नीचे गिर गया। इसी को हमने क्या कहा, रेड ड्रॉप कहलाता है। इमर्शन का प्रथम प्रभाव या इमर्शन फर्स्ट इफेक्ट ये कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये समझ में आया, सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या क्या था आपका, ये वर्णक होते हैं जिसमें दो प्रकार के पिगमेंटेशन होते हैं। दूसरा पढ़ा क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड क्या था, प्रति क्वांटम अवशोषित CO2 की मात्रा और निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा को हमने क्या कहा, क्वांटम यील्ड कहा। थर्ड हमने पढ़ा क्वांटम रिक्वायरमेंट, उन्होंने कहा प्रति CO2 के अणु के अवशोषण के लिए और ऑक्सीजन के अणु को बाहर निकालने के लिए जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उसको हम क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं, और कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, 8 क्वांटम, ठीक है। मिनिमम न्यूनतम 8 क्वांटम की जो आवश्यकता थी वो होती, तो इनका अनुपात क्या हो गया था, 1/8, ठीक है। ग्राफ में हमने देखा, हमने 400 से 800 mu का एक ग्राफ बनाया और इसके लिए हमने प्रयोग में किसको लिया, एक सहवाल को, किसको, क्लोरेला सहवाल को, ठीक है। हमने देखा ग्राफ में जब जो लेंथ क्वांटम यील्ड है यदि वो 400 से 800 के बीच में वेवलेंथ में रहती है तो स्थिर रहती है, देन वो थोड़ी थोड़ी वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, और रेड ड्रॉप में क्या करती है, वो नीचे की तरफ एकदम आ जाती है। और जो उन्होंने एक गर्त देखा उसको उन्होंने क्या बोला, इनहेंसमेंट, एक गर्त के रूप में दिखाई दिया तो उसको बोला उन्होंने इनहेंसमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम
द इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एनहेंसमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा, ये जो गर्त दिखाई दे रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ा उस पर, प्रभाव पर, ठीक है।